कहाँ से हो? आजमगढ़। आजमगढ़ भाई क्या पाक जगह है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यूसुफ और मेड इन आजमगढ़ चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में आजमगढ़ नामक फिल्म के आने की घोषणा हुई थी। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के पोस्टर्स और होर्डिंग्स वायरल हैं। सबसे पहले ये होर्डिंग्स मुंबई की गलियों में लगी हुई देखी गई थी। इन होर्डिंग्स के मुताबिक पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में काम कर रहे हैं और ये फिल्म संजय भट्ट द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई विवादों में घिर चुकी है। दरअसल पंकज त्रिपाठी का कहना यह है कि इस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा रोल किया हुआ है, लेकिन फिल्म के मेकर्स पंकज त्रिपाठी के नाम को यूज कर रहे हैं और उसे भुना रहे हैं। वहीं इस फिल्म के मेकर्स का कहना यह है कि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी की भूमिका लीड रोल में है और 90 मिनट की इस पूरी फिल्म में 30 से 40 मिनट का रोल पंकज त्रिपाठी जी का है। तो ऐसे में पंकज त्रिपाठी जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं और हमारे पास भी पूरे सबूत हैं। इसके अलावा भी फिल्म पर कई और सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग बहसें चालू हैं। फिल्म के विरोधियों का कहना यह है कि आजमगढ़ फिल्म के ट्रेलर से यह साफ हो जाता है कि यह फिल्म आजमगढ़ के युवाओं को आतंकी बताती है। साथ ही यह फिल्म एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा भड़काने का भी काम कर रही है। वहीं फिल्म के सपोर्टर्स का कहना यह है कि आजमगढ़ फिल्म का उद्देश्य आजमगढ़ की जो बिगड़ी छवि है, जो धूमिल छवि है, उसको साफ करने का ही है और इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो सच्चाई है और फिल्म आजमगढ़ के हित के बारे में ही है। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख आइए और हमें अपनी राय देना मत भूलिए।